जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे, जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? खंडन गोपाल बना दिया ना फिर से जनता को, कुछ नहीं दिया बिहार को। आज की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। सही बात बोल रहा है ना, ये तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया, आ करके चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसाबाजी जुमलाबाजी हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट, मैं हूँ आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, शपथ ग्रहण भी हो चुका है और सारे मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं पूरे देश की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार के सियासी सफर को लेकर के जिस तरीके से कयास लगाए जाते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, और जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन तमाम वो दावपेंच आजमा रही है जिसकी बदौलत चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपना पाला बदल लें। लेकिन रोहिणी आचार्य का बयान ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या वाकई में अब नीतीश कुमार के मन में कुछ और ही चल रहा है? आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कह सकते हैं नेतृत्व से उन्होंने मांग की थी कि हमें रेल मंत्रालय दिया जाए, गृह मंत्रालय दिया जाए, वित्त मंत्रालय दिया जाए, लेकिन ये तमाम मंत्रालयों को साइड करके भारतीय जनता पार्टी ने खुद के पास रखा और जो सहयोगी दल हैं उनको कहीं ना कहीं छोटे मंत्रालय दिए। अब इस बात को लेकर के क्या नाराजगी जो है वो सहयोगी दलों में आ सकती है और नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है वो गिरती हुई नजर आएगी? पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ कहती हैं। रोहिणी जी, आज भी छपरा में है, दो लोगों को गोली मार दी गई है। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि अब रूडी जी बताएंगे ना, हां गोलियां चलती है, चलती रहेंगी, तो रूडी जी से जवाब मांगिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया रोहिणी जी, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है, इस पे क्या कहिएगा? देख लीजिए, सामने आ गया ना, यही ना विपक्ष बोलता था कि जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे, जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? खंडन गोपाल बना दिया ना फिर से जनता को, कुछ नहीं दिया बिहार को। तेजस्वी कह रहे झुनझुनना थमा दिया गया है। सही बात बोल रहा है ना, ये तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुनना पकड़ा दिया गया, आ करके चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसाबाजी जुमलाबाजी हो गया। नीतीश कुमार को फिर से अपने पास लाइएगा क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे, वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने, अब चाचा जी से जाके पूछिए, हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश जाना था नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को मुख्यमंत्री शपथ में नहीं गए, शपथ ग्रहण में। तबीयत खराब होगा उनका, तबीयत खराब होगा, आराम करने दीजिए। सिंगापुर जा रहे हैं आप? जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमें जो वोट देने का जो काम किया है सबका धन्यवाद करने, उनके बीच में रह करके, ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारण। तो सुना आपने कि किस तरीके से रोहिणी आचार्य कहती हैं कि चाचा हैं वो कहीं ना कहीं हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आए हमसे आशीर्वाद जो है हमें आशीर्वाद दें। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी इस बात को कहते हुए नजर आते हैं चाचा को लेकर के। देखिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं। खंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है क्योंकि किसको क्या विभाग देते हैं, काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुनना जो है थमाया गया। कयास को हवा लग गई है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगी। देखिए अगर हम बात करें 2019 से पहले हुए विधानसभा चुनाव की, तो आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ने के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने नाम कर ली थी। आज की मौजूदा स्थिति की बात करें तो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आप बिहार में
भारतीय जनता पार्टी को पहले नंबर की पार्टी देख सकते हैं, आरजेडी को देखें तो दूसरे नंबर की पार्टी, तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर आती है जेडीयू पार्टी जो सबसे कमज़ोर नज़र आती है। क्यों? जो सबसे ज़्यादा विधायकों वाली संख्या पार्टी नज़र आती थी, 45 से ज़्यादा विधायक जेडीयू पार्टी में थे, आज टूट कर आप देखिए कि 30 से 35 विधायक ही रह जाते हैं, उससे ज़्यादा आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, हो सकता है इससे कम होते हुए भी नज़र आए, क्योंकि अजीत सिंह की बात करें तो वो भी हाल ही में आरजेडी में वापसी करते हुए नज़र आए हैं। आपको बता दें कि जगदानंद की बात करें, उनके बेटे हैं अजीत सिंह, आरजेडी का बड़ा हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने दो विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर आरजेडी का दामन छोड़कर जेडीयू पार्टी में चले गए थे और उसके बाद फिर से अब जेडीयू पार्टी को छोड़कर आरजेडी में आ रहे, तो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बीमा भारती आरजेडी में आ जाती हैं, कई विधायक छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो जेडीयू पार्टी यहाँ पर कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में जेडीयू पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के मन में ये रणनीति चल रही थी कि लोकसभा चुनाव जीतना है, केंद्र में जगह पानी है और उसके बाद हम विधानसभा चुनाव में देखेंगे कि आखिरकार हम किन रणनीतियों पर काम करेंगे। जैसे कि नीतीश कुमार जब एनडीए में शामिल हुए थे तो शर्तें थी उनकी कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाइए, वो मांग आज भी यहाँ पर नीतीश कुमार की देखी जाती है, यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की ये मांग की जाती है। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ यहाँ पर नीतीश कुमार करवाना चाहते थे, लेकिन ये देखने को मिलता है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ एक साथ तो नहीं होते हुए नजर आए, लेकिन मुकेश सैनी ने कहा था कि 2025 से पहले विधानसभा चुनाव जरूर हो जाएंगे, यानी कि वो ये कहते हुए नजर आए थे कि जो नीतीश कुमार है वो फिर से पलटी मार सकते हैं और ऐसे में आरजेडी के साथ फिर से नीतीश कुमार जुड़ते हुए नजर आएंगे और ऐसे में एनडीए की सरकार धराशायी होगी और महागठबंधन एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगा। यानी कि नीतीश कुमार बेशक बिहार में सीटों के मुकाबले, विधायकों के मुकाबले कमजोर हो रहे हैं, लेकिन आज भी उतनी ताकत रखते हैं कि वो एनडीए की तरफ चले जाएं तो एनडीए की सरकार बना देते हैं, आरजेडी की तरफ महागठबंधन की तरफ आ जाएं तो उनकी सरकार बना देते हैं। इसलिए ना तेजस्वी यादव उनकी बुराइयां कर रहे हैं, ना ही एनडीए की तरफ से उनकी बुराइयां देखी जा रही हैं। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि वो तो मेरे चाचा हैं, चाचा जी ने ही कहा था कि जो 2014 में आए थे 2024 में हराना है, 24 में तो हरा नहीं पाए लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हराते हुए जरूर नजर आएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं। अच्छा नाज़मीन, इन बातों पर अगर नजर डालें तो नीतीश कुमार जब भी पलटी मारे हैं इससे पहले तो तेजस्वी यादव या आरजेडी का पूरा खेमा जो है वो उनके खिलाफ अग्रसर नजर आता है और लगातार हमले करता है, लेकिन इस बार देखें तो इस बार जिस ढंग से नीतीश कुमार ने पलटी मारी उसके बाद से देखा गया कि तेजस्वी यादव विनम्रतापूर्वक उनके सम्मान की बात कहते हैं, चाचा करके कहकर संबोधित भी करते हैं और तमाम तरह की जो इमोशनल कार्ड है वो खेलते हुए नजर आते हैं। क्या ये इस बात के संकेत हैं कि अब आरजेडी से जो है कहीं ना कहीं हाथ मिलाते हुए नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं? और अगर नीतीश कुमार के लिए जो है परिस्थितियां एनडीए खेमे में नहीं सही से बैठती हैं तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार वापसी करते हुए नजर आएंगे, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जैसा कि आपने पहले कहा कि तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, इन दोनों ने एक बात कही कि चाचा का आशीर्वाद लेना है और हम चाचा के साथ हैं, मन हमारे ही तरफ है लेकिन अगर हम बात करें तो शरीर उधर है। आप देखिए कि कई वजह यहाँ पर निकलती हैं, एक वजह आप ये देख लीजिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे चंद्रबाबू नायडू और ऐसे में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक शामिल होते हैं, यहाँ पर आप ये देखिए कि कई और पार्टी के लोग भी शामिल होते हुए नजर आते हैं, नीतीश कुमार को भी इन्विटेशन दिया जाता है लेकिन नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होते हैं। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से नामांकन दाखिल करने जा रहे थे उस दौरान भी नीतीश कुमार शामिल नहीं होते हैं, बीमारी का बहाना तो दे रहे हैं, बिल्कुल लगातार वो बीमारी का बहाना देते हुए नजर आते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसी वजह से वो अपने कार्यक्रमों को रद्द करवा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए प्रधानमंत्री के नामांकन में नहीं गए, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हम आंध्र प्रदेश नहीं गए। यही बात रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि तबीयत ठीक नहीं होगी चाचा की इसलिए वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, यानी कि तंज कसा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ना जाने का बहाना बीमारी बना दिया जाता है, बल्कि इसकी वजह कुछ और नजर आती है कि नीतीश कुमार यहाँ पर खुद ही खफा हैं इन
में तमाम दलों से जो एनडीए के साथ हैं, खुद एनडीए से नाराज हैं, बीजेपी की नीतियों से नाराज हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को झुंझुना पकड़ा दिया गया है जो खुद तेजस्वी। नीतीश कुमार तो चिराग पासवान के खिलाफ ही रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, तो क्या ये परिस्थितियां जो है वो नीतीश कुमार के विपक्ष में नजर आई? देखिए, चिराग पासवान बिल्कुल यहाँ पर 5 सीटें जीतते हैं, लेकिन 5 सीटों पर 1 मंत्री बनते हैं। यहाँ पर खुद चिराग पासवान यहाँ पर मंत्री बनते हुए नजर आते हैं, मंत्रालय संभालते हुए दिखाई देते हैं। तो सोचने वाली बात है कि एनडीए ने सबके हाथों में झुंझुना पकड़ाया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हाथ में एक मंत्रालय यहाँ पर दिया जाता है, 1 मंत्रालय चिराग पासवान को दिया जाता है, 2 मंत्रालय नीतीश कुमार की पार्टी को दिया जाता है, लेकिन 4 मंत्रालय बिहार में ही सिर्फ बात करें तो 4 मंत्रालय वो अपनी पार्टी से सांसदों को देते हुए नजर आते हैं। और केंद्र की बात करें तो बड़े बड़े पद यहाँ पर देखिए, रक्षा मंत्री बीजेपी के खाते में है, यहाँ पर बात करें रक्षा मंत्रालय की बात कर ली, वित्त मंत्रालय की बात करें बीजेपी के खाते में, गृह मंत्रालय की बात करें बीजेपी के खाते में है, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात करें बीजेपी के खाते में है, आप यहाँ पर कई और बड़े बड़े पद यहाँ पर लगा लीजिए जो बीजेपी के ही खाते में आ रहे हैं, वो किसी और को वो देते हुए नजर नहीं आए। यानी कि आप ये देख लीजिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिन पर इतने बड़े आरोप अब से पहले लगते हुए नजर आए, जिन्हें प्याज लहसुन के भाव नहीं पता है, वो वित्त मंत्री बनकर बैठ जाते हैं और फिर से वित्त मंत्री बन जाती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, उन पर कितने आरोप लगे कि पुलवामा में हमला हुआ, आप जिम्मेदार हैं, उसके बावजूद भी रक्षा मंत्री वो बना दिए जाते हैं। आप शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, उन्हें बड़ा पद देने की जगह आप उन्हें कृषि विभाग दे देते हैं, जो कहीं ना कहीं विवादों में देखने को मिला था। अर्जुन मुंडा की बात करें, जो यहाँ पर कृषि मंत्री थे, उनके ऊपर कितने आरोप लगते हुए नजर आए, कितना किसानों ने उन्हें घेरा, और आज शिवराज सिंह चौहान गिरते हुए नजर आएंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं कि वो खुद ही साफ तौर पर दिखा भी देते हैं कि हम आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। अच्छा नाज़मीन, एक छोटा सा सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2025 में है, लेकिन नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो चिराग पासवान के खिलाफ लड़ती हुई नजर आती है, जीतन राम मांझी के खिलाफ नजर आती है, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नजर आती है, लेकिन अब वही चेहरे जो है वो लोकसभा चुनाव में उनके साथ है, तो क्या ये परिस्थितियां बन रही है कि नीतीश कुमार जो है आने वाले समय में पलटी मार सकते हैं? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें, चिराग पासवान यहाँ पर फूटी आंख नहीं सुहाते थे, नीतीश कुमार को बोलते थे सम्राट चौधरी, तो उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी छीनना चाहते थे, जीतन राम मांझी का साथ नहीं था, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के ही सदस्य थे लेकिन पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी का गठन कर लेते हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। तो आप ये देखिए कि नीतीश कुमार के साथ रहना मजबूरी था, लेकिन नीतीश कुमार अब खुद इन्हीं का साथ छोड़ते हुए जल्द नजर आ सकते, क्योंकि विपक्षी पार्टियां खुद ये दावा करते हुए नजर आ रही हैं कि फिर से यहां पर एक बड़ा बदलाव, फिर बदल बिहार में होगा। और खुद वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का यह कहना, 2025 से पहले विधानसभा चुनाव बिहार में होंगे, तो एक बड़ी बात है सिराज यहां पर कि क्या पता यहां पर नीतीश कुमार की पलटी की वजह से फिर से बिहार में 25 वाली स्थिति से पहले यहां पर 24 में ही बड़ा खेल हो जाए। जी बिल्कुल, बिहार में 24 में खेल अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य ने दावा किया, उसके बाद से तमाम तरह की परिस्थितियां बन रही है नीतीश कुमार के विपरीत। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या कुछ जो है वो बड़ा उलटफेर नजर आता है, क्या वाकई में फिर से नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार कीजिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।